पिछली क्लासेस में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद बैलून वाला क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट बता दिया था कि अगर उड़ते हुए बैलून में से कोई स्टोन को ड्रॉप करे, लास्ट टाइम का लेक्चर है, आपने यू को नेगेटिव लेना है। तो जो लोग नहीं आए थे लास्ट टाइम, प्लीज़ वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग पक्का सुन के आएंगे, क्योंकि मैंने उसमें से क्वेश्चन डालना है टेस्ट में परसों, पक्की बात है। ठीक, बैलून वाला क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ से शुरू करना है। इस क्वेश्चन में ये मेंशनड है, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर 60 मीटर हाई। तो एक टावर है 60 मीटर हाई है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 40। तो इस केस में पहले स्टोन को ड्रॉप किया और दूसरे स्टोन को फेंका, ऊपर फेंका, थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 40। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ व्हेन एंड वेयर दे क्रॉस इच अदर। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो आपस में कहीं ना कहीं की टक्कर भी हो सकती है या क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहां जब ये क्रॉस करेंगे, वो कहाँ क्रॉस करेंगे और कितने समय पे क्रॉस करेंगे। चलो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर 60 है तो ये बॉल एक्स डिस्टेंस पे से क्रॉस करेगा, तो इस बॉल ने डिस्टेंस कितना कवर करना है, 60 माइनस एक्स। मान लिया यहां पर, तो ये क्रॉसिंग कहां हो रही है, एक्स और 60 माइनस एक्स पे। तो मुझे एक्स बताना है क्रॉसिंग कहां हो रही है। तो आप सिंपली फर्स्ट बॉल के लिए नीचे गिर रही है, आप अप्लाई करें, और मान लो ये पूरी सिचुएशन जब स्टार्ट हुई थी आपके हाथ पे स्टॉप वॉच थी कि जब ये बॉल चली टी टाइम में और ये यहां पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब टी टाइम पे इस बॉल ने डिस्टेंस कवर किया एक्स, तो इस बॉल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 माइनस एक्स। तो टाइम टेकन दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो फर्स्ट बॉल के लिए यू कैन अप्लाई x = x = 0 + 1/2 × gt² क्योंकि बॉल नीचे आ रही है तो g की वैल्यू 9.8 होगी, और जो बॉल ऊपर जा रही है उसके लिए 60 - x = 40t + 1/2 × -9.8 × t² क्योंकि ऊपर जा रही है तो g नेगेटिव होगा, वो नीचे आ रही है तो g पॉजिटिव होगा। तो एक बॉल के लिए g पॉजिटिव, एक बॉल के लिए g नेगेटिव, दो इक्वेशंस एक दूसरे के नीचे लिख दी, इन्हें ऐड कर दिया। ऐड किया तो एक्स से एक्स कैंसल, तो क्या आ गया, 60 = ये कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, 40t। तो यहां से t की वैल्यू आ गई कितनी, 1.5। तो ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, एट टाइम t = 1.5 सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। फिर टाइम आ गया, एक काम करो टाइम को यहां पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में 2-3 के बनाए, तो जब हम अभी करेंगे क्वेश्चन तो उसके अंदर ये टेक्निक यूज करेंगे, तो उसके अंदर फिर से डिस्कशन करेंगे। आप करेंगे तो आपको हिंट दे दिया कैसे करना है, ट्राई आपने करना है अनसॉल्व के ऊपर, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे ना, क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन, अंदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद अ स्पीड वी, टावर के टॉप से स्पीड वी से बॉल को फेंक दिया। इट रीचेज द फुट ऑफ द टावर
इन टाइम टी वन, ठीक है, टी वन टाइम में नीचे गिर गई। इफ द सेम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड तो वो टी टू टाइम में नीचे आई। तीसरा केस है, अगर बॉल को क्या कर दिया जाए, ड्रॉप, तो कितने समय में नीचे गिरेगी, ये क्वेश्चन है। तो मतलब इसके अंदर क्वेश्चन में ये गिवन है कि पहला केस, अगर बॉल को टावर से ऊपर फेंके विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो याद है करवाया था शॉर्टकट लास्ट टाइम भी, बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी, तो टाइम टेकन पूरी जर्नी का कितना है, टी वन। दूसरे केस में क्या गिवन है, बॉल को कैसे गिर रहे हैं नीचे विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो वो नीचे गिरेगा इन टाइम कितना, टी टू। नेक्स्ट है, अगर बॉल को ड्रॉप करें, सिर्फ ड्रॉप करें, जस्ट ड्रॉप करें, तो एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर ऊपर फेंकें तो ऊपर जाके नीचे गिरने में टाइम टेकन टी वन है, अगर नीचे फेंकें टाइम टेकन टी टू है, और अगर ड्रॉप करें तो टाइम टेकन टी है। तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन टी, टी वन एंड टी टू। रूल नंबर वन आराम से करेंगे। सबसे पहला रूल क्या करेंगे, अगर बॉल को ऊपर फेंकें, हमने एक शॉर्टकट किया था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ये था, ये सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन बोलो क्या लगेगी, एच माइनस वी टी वन प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी वन स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, सीधा माइनस वी पुट करना होता है, बात खत्म, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डन डन, क्लियर हो गया यहां तक। अगर बॉल को नीचे गिरे, नीचे गिरे, तो एच वी टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन क्लियर है। अगर ड्रॉप करें तो एच जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है। तीनों इक्वेशंस को इकट्ठी लिखें, ये पहले केस की इक्वेशन, ये दूसरे केस की, और ये तीसरे केस की। पहले केस में टी वन कॉमन निकाल के नीचे ले आए ये टर्म, दूसरे केस में टी टू कॉमन निकाल के नीचे ले आए ये टर्म। तो अब एक काम करें, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई, इन्हें ऐड कर लें, वी से वी कैंसल, एच कॉमन आ गया, हाफ जी कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया, टी वन प्लस टी टू कॉमन आ गया, एच की वैल्यू फिर से आ गई। अब एक एच ये आ गया और एक एच ये भी है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर मैं इस एच और इस एच को इक्वेट कर लूं, तो मेरे पास सॉल्व करके हाफ जी कैंसल टी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टी वन टी टू आ जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फॉर्मूला नोट कर लें, t इज इक्वल टू रूट टी वन टी टू आंसर है। ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे इसका आंसर आया। तो अगर बॉल को ऊपर फेंकें t1, नीचे फेंकें t2, और अगर ड्रॉप करें तो t, तो सीधा t का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में क्या मार्क करेंगे, रूट टी वन टी टू आंसर है। हाँ, अगर कोई लेकिन कोई चाहे कि हाँ कैसे हुआ, वो मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया कैसे हुआ, तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया वो मैंने बता दिया, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, आप सीधा मार्क करेंगे t इज रूट टी वन टी टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कुछ क्वेश्चंस इतने लंबे हैं कि इनको करना बहुत मुश्किल है पेपर में, तो सीधा इसका, जो बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, चेंज होके नहीं आते हैं, तो सीधा आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई सब्जेक्टिव कोई स्कूल में नहीं आएगा, कोई सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लें चाहे नोट्स में, ये क्वेश्चन बस ये एक के लिए एप्लीकेबल, ये इकलौता एक अनोखा क्वेश्चन एक ही है, दो है ही नहीं, ऐसे दो है ही नहीं, बात ही खत्म, ठीक ठीक है, इसको अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, बोलो लिख लो फॉर्मूला, लिख लो इस क्वेश्चन को देखो, इतने बाकी लोग, देखो जो अगला क्वेश्चन है, एन एरो इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक एरो है और वो 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जो है ये ऊपर फेंका जा रहा है, एंड वन सेकेंड लेटर अनदर एरो इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद सेम वेलोसिटी। एक सेकेंड बाद अगला एरो सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका जा रहा है। क्वेश्चन है When and where do they meet? Meet कैसे कर रहे हैं? स्लो मोशन में एरोज को उड़ा के तो देखो, ये देखो
ये आपका पहला एरो ग्राउंड से चल पड़ा विद द स्पीड ऑफ 50, 50 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक सेकेंड लेटर एक और उड़ पड़ा, ऐसे जा रही है सिचुएशन, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहले आ गया। अब इसकी बारी नीचे आने की आ गई, लेकिन अभी भी ये ऊपर आ रहा है, ये टक्कर होगी, कहाँ हुई और कब हुई ये बताओ। सिचुएशन समझ में आ रही है? तो मैंने इस स्लो मोशन को तीन डायग्राम में बनाया आपके लिए, ये पहला एरो और ये दूसरा एरो। पहले और दूसरे एरो में टाइम का एक सेकेंड का अंतर है। फिर मैंने पहले एरो फर्स्ट एरो को फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 50, तो अपोस्ट पॉइंट पे ये एरो पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ऊपर जाने में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी? -10। और डिस्टेंस कवर्ड इसका h है। तो कितने समय में ये ऊपर पहुंचेगा? पहला एरो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यू कैन अप्लाई v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जीरो इज इक्वल टू 50 प्लस -10 इंटू टी, तो टी कितना आ गया? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये एरो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब यहां और यहां अगर मैं हाइट पूछूं, पहले एरो कितनी हाइट अटेन करेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as लगाएंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इज 2 इंटू -10 इंटू h आएगा, यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर। तो ये एरो ऊपर कितनी हाइट पर आएगा? 125 मीटर पे आएगा, और ये एरो 5 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई? अगला सिचुएशन समझो, मान लो फर्स्ट एरो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, कितनी हाइट पर? 125 पे है, और टाइम टेकन 5 सेकेंड है, तो उस टाइम दूसरा एरो ठीक 1 सेकेंड पीछे होगा, यहां पे है, 1 सेकेंड नीचे होगा, हवा में है, अब इसको भी टॉप पे जाना है। तो जब ये यहां पे है तो इसकी घड़ी में टाइम क्या होगा? अगर ये घड़ी में टाइम 5 सेकेंड है तो इसकी घड़ी में टाइम कितना है? 4 सेकेंड है। तो 4 सेकेंड के ऊपर इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू 0 प्लस v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v निकाल लेते हैं, u कितना है? 50, तो v इज इक्वल टू 50 प्लस -10 इंटू 4, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10। तो वेलोसिटी यहां पर 10 आ गई। और ये हाइट अगर निकालनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये हाइट के लिए, ये हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 50 है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2 इंटू -10 इंटू h, जब h सॉल्व करेंगे 120 आएगा, तो ये एरो 120 मीटर हाइट पर होगा। तो हाइट भी आ गई यहां पे, तो हाइट की वैल्यू यहां पर 125, ये 120 पे, ठीक है यहां तक। अब ये बताओ कि अब इसकी बारी नीचे आने की आ गई, इसने अभी भी ऊपर जाना है और ये नीचे आएगा, इनके बीच में दूरी कितनी है? 125 में से 120 गया, 5 मीटर की दूरी है, तो इनका एक्सीडेंट या कब मीट करेंगे? एग्जैक्टली 5 मीटर पे मीट करने वाले हैं, ये 5 मीटर पे मिलेंगे। क्या है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? तो दे विल मीट कुछ इस पॉइंट पे, 5 मीटर के बीच में मिलने वाले हैं। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि इनका एक्सीडेंट होना है, टक्कर होनी है, तो वो 120 मीटर के ऊपर होनी है और 5 मीटर के बीच में होनी है। चलो फिर एक काम करते हैं, इस पोर्शन को अलग बना लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 10 है, और ये यहां से चलेगा, तो ये सिचुएशन ऐसी बन गई है। देखो 125 मीटर पे ये एरो है, एरो 2 120 मीटर पे है, एरो 2 की वेलोसिटी यहां पर 10 है और एरो 1 चल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनकी टक्कर 5 मीटर में होनी है। तो इस डायग्राम को अलग बना लेता हूं मैं ऐसे, ये 5 मीटर है, 5 मीटर में ये एरो 10 के साथ ऊपर जा रहा है, ये एरो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये जो एरो है 5 मीटर पे है, तो मान लो इनकी टक्कर x पे होती है, तो यानी कि ये एरो अगर x डिस्टेंस पे कवर करता है इन टाइम t, तो ये 5 माइनस x कवर करता है इन टाइम t। तो अगर इस एरो की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी इस एरो के लिए, इसकी शुरू करते हैं, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। मान लो टी टाइम में टक्कर हो जाती है, तो 5 माइनस एक्स इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इस एरो के लिए क्या लगेगा, इक्वेशन क्या लगेगी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, 10, तो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो इसके लिए भी यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसके लिए भी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया मैंने, ऐड कर लिया मैंने, ऐड करके x से x कैंसिल, तो ये 5 बच गया, इधर से 10t बच गया, ये भी कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू आ गई 0.5 सेकेंड।
तो इनकी टक्कर कितने समय पे हुई? जब ये स्टार्टिंग में चले थे तो कितने समय पे हुई बोलो, टोटल टाइम क्या लिखेंगे? 4+0.5, यानी कि 4.5, क्योंकि 4 सेकंड तक तो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, चार, क्योंकि 4 सेकंड पे सेकंड एरो हवा में था और 5 सेकंड पे ऊपर था, तो यानी कि सेकंड एरो ने टक्कर मार ली है, तो सेकंड एरो के हिसाब से 4.5 सेकंड पे इनकी टक्कर होने वाली है। अब डिस्टेंस की बात करें, टाइम आ गया तो ऊपर किसी भी इक्वेशन में टाइम को पुट करके डिस्टेंस भी आ गया। अब 120 मीटर तक तो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, 120 के ऊपर होगा, 120 के कितने ऊपर होगा? एक्स ऊपर होगा, 120 में इस एक्स को ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा? 123.75 मीटर। तो ये टोटल हाइट है जहां पर इनकी टक्कर होने वाली है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कैसे सोचना है इसमें? हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते वैसे, बता दूं मैं आपको, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन है। तो थोड़ा आप विजुअल इफेक्ट देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसी सिचुएशंस हैं इसमें और कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट शीट थी उसका पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये स्प्लैश वाला क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन अभी आज ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव शीट में आने वाले हैं, तो उसी के अंदर इसको सॉल्यूशन में देखेंगे, यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऑब्जेक्टिव शीट पे आता हूँ, आप ऑब्जेक्टिव शीट ओपन करें, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 से स्टार्ट करना है ना, चेक करो, यही क्वेश्चन है ना, 4, ऑब्जेक्टिव शीट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो कितने लोगों ने ये शीट ट्राई की है, की हुई है? ठीक है, इसके डाउट शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? 4, ऑब्जेक्टिव शीट 4, ये शीट सबके पास है? नहीं है। कितने के पास नहीं है? एक मिनट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, जिन्होंने किया हो 2 में डाउट। इसमें क्या गिवन है? द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम गिवन एज दिस इक्वेशन। 4 और 5 शीट नहीं है, 4 नंबर कितनों के पास नहीं है? हाथ खड़ा करना। 4 और 5 भी नहीं है, 4 5 8 10 कॉपियां। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 जब टाइम क्या होगा? पहली बात एक चीज ध्यान से देख लो, मोशन के क्वेश्चन में जानबूझ के ए और बी कांस्टेंट लेता है ताकि लोग एक्सेलेरेशन ए और कांस्टेंट ए को काट दें और कंफ्यूज कर दें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर निकालेंगे वेलोसिटी, जो कि क्या होगी? डीएक्स बाय डीटी। तो वी इज इक्वल टू डी बाय डीटी ऑफ एक्स की जगह कितना? ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए इंटू ये क्या आएगा? 2t, और माइनस बी इंटू क्या आएगा? 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 2at-3bt² कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? लेकिन हमने क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी। डी बाय डीटी ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू 2at-3bt² तो अगर मैं इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा? 2a, और यहां से क्या आएगा? 3 bt को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 bt ये आएगा। ठीक है, कैलकुलस कर लिया तो ये आएगा। उसने क्या बोला? एक्सेलेरेशन क्या करनी है? 0। इसे 0 करते हैं तो क्या ही क्वेश्चन बनेगी? 2a इज इक्वल टू 6 bt, तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी? 2a/6b। तो आंसर क्या आएगा? a/3b। तो a ये आंसर है, a/3b आंसर है। राइट, गलत है, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पीछे गलत है क्या? ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये आंसर है, सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक एथलीट सर्कल में घूम रहे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ए से बी क्या होगी? डायमीटर। और डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां? सरकमफ्रेंस। पाया आंसर तो निकाल लेना यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, एवरेज वेलोसिटी की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, एवरेज वेलोसिटी की प्रॉब्लम है। 5 में डाउट, हाँ 5 में डाउट है। देखो,
फाइव क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, मुझे नहीं पता आपने कैसा लगाया, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। रिटार्डेशन का मतलब मान लो ए है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, आपने नेगेटिव साइन लगाना है, लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में प्लस माइनस ज़्यादा अफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी में चल रहा है, तो इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट मैटर नहीं करते, प्रोपोर्शनैलिटी में आंसर आएंगे। पर वैसे लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और कोई भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कॉन्स्टेंट के आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, के एक्स। मुझे क्या बताना है, चेंज या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या है, मान लो आपकी वेलोसिटी वी से यू हो गई या यू से वी हो गई, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम बाहर आ गया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आपको ये पता है काइनेमेटिक से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, टू ए एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो एक्स है, और क्योंकि रिटार्डेशन है तो ऊपर नेगेटिव नहीं लगाया तो नीचे लगा दिया, कहीं तो लगाना ही है, या तो ऊपर लगा दो नीचे मत लगाओ, या नीचे लगा दो ऊपर मत लगाओ। तो ए की वैल्यू के एक्स पुट कर दिया रिटार्डेशन के साथ, सॉल्व करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उठा के यहां पुट कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, ये आंसर आ गया। देखो आपने इक्वल टू आंसर देना नहीं है, आपको प्रोपोर्शनल बताना है। अब प्रोपोर्शनल में जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, अगर इक्वल टू हटेगा तो माइनस एम के सब कॉन्स्टेंट हट जाएंगे, और क्या आंसर आएगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर इज द आंसर। ये एक तरीका है, जस्ट हमने ये देखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है। पर मैं इस क्वेश्चन को चलो यहाँ ऐसे कर बैठा, वैसे अगर मेरे को अब आप ऐसे डाउट पूछो या अगर ये शीट ना देखता मैं, तो शायद मैं ऐसे करता कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रिटार्डेशन है, ए की वैल्यू माइनस के एक्स पुट कर देनी थी मैंने, ठीक है यहाँ तक। मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कुछ ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, ये मुझे समझ में आती है बात। तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन को लिख लेता डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ से डी वी बाय डी टी को डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के एक्स। यहां से डी एक्स बाई डी टी को क्या पुट कर सकते हैं, वी डी वी, और इस डी एक्स को राइट पे ले जाओ माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। वो क्योंकि यहां पर एक्स चल रहा है, यहां टी चल रहा है, एक्स और टी का कोई मेल नहीं है, तो या तो एक्स में लेके जाओ या टी में लेके जाओ, तो मैंने डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको वी लिख लिया। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, चेक करो, एक्स स्क्वायर के, और मेरे को भी तो यही निकालना है वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एक्स स्क्वायर के आंसर आ गया। जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है, शीट जिसके पास नहीं हाथ खड़ा करना। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, कौन सा मेथड पसंद है, कि पहला कि दूसरा? देखो सही तरीका तो दूसरा ही है, पहला तो चल गया चल गया, दूसरा तो कभी फेल ही नहीं हो सकता ना, कैलकुलस का मेथड कभी फेल नहीं होगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, ठीक है चल गया तो चल गया, मना कौन कर रहा है, आपको दोनों सिखा दिए, कभी पहला कभी दूसरा जो काम आता हो तब की तब देखेंगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, देखो एक्सेलरेशन ये गिवन है, मुझे ये पता है काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वी एक्स के साथ कैसे रिलेटेड है निकाल लेते हैं। तो मैंने ए को डी वी बाई डी टी पुट कर दिया, अब यहाँ पर एक्स चल रहा है, यहाँ टाइम चल रहा है, तो मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया। डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी, और ये डी एक्स राइट साइड पे चला गया, इंटीग्रेट किया तो वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, अब वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, डाउट सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में, द बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस, हाँ इसमें है कंफ्यूजन, देखो ये बुक्स में सही नहीं किया हुआ, इसको ठीक करेंगे। बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा,
ये डिस्टेंस आर्क 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, यानी कि पाई आर की वैल्यू 5 मीटर है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू 5 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगी, आर और आर, 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 5.5। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2r, 2r का मतलब 2 × 5.5। तो डिस्टेंस हमें पता है 5 है, डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल है, इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर सही माना जाएगा। तो बुक्स में गलत है, ये भी गलत करूँगा मैं, ये सही है, ठीक है। आंसर नहीं गिवन, ABCD में से ना हो कोई बात नहीं, पर मेथड यही रहेगा। तो क्योंकि ये आंसर तब आ रहा था जब रेडियस 5 है, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया कि रेडियस इसमें 5 है, तो सही नहीं माना जाएगा, ये सही है। तो डिस्टेंस 5 है तो सर्कमफ्रेंस ही 5 गिवन है, तो पाई आर इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको सर्कल कर लो, पर ऐसे ही करना अगर आएगा तो। कितनों ने ऐसे किया था, ऐसे किया था पहला, ऐसे किया था, नहीं किया था, ठीक है, तो ऐसे सोचने आपने। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। ए टू बी मतलब, नहीं ऐसा नहीं होता, सेमी सर्कल में घूमना ऐसे ही होता है बस, सर्कल में घूमना ऐसा होता है, तो फिर हम सेंटर तो जाते नहीं ना सर्कल में, तो फिर सेमी सर्कल में क्यों जाएंगे, जब सर्कल में नहीं जा रहे तो सेमी सर्कल में क्यों जाएंगे, सेंटर में नहीं जाना, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8th में कितनों का होगा, 8th। देखो, पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन फॉर 20 सेकेंड, तो सिस्टम एक्सेलरेट कर रहे हैं, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू 0। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ S1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, S1 है, एंड डिस्टेंस S2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, और ये डिस्टेंस कितना है, X2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो आपको बताना है S1 S2 का रिलेशन क्या है। तो इस केस में सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इस पोर्शन में S1 इज 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी, यानी कि 10 का स्क्वायर। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? अगर मैं S2 में ये सेम इक्वेशन लगाऊं, S2 इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर मेरे को यहां वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी तो लगा पाऊंगा, तो यहां वेलोसिटी ढूंढने की बजाय मैंने टोटल पे लगा दिया। अब शुरू से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेकंड में, S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हाफ ए 20 का स्क्वायर। इसका ये फायदा है कि u क्या रहेगा, 0। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये देखो, तो हाफ ए कैंसिल हो गया, S1 बाय S1 क्या होता है 1, S2 बाय S1, 20 स्क्वायर 10 स्क्वायर 4, क्योंकि हमने S2 S1 की रेशियो निकालनी है, तो 1 इधर चला गया, तो आंसर क्या आ गया, 3, आंसर इज 3। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, तो कैसे आंसर, ये कैसे वैल्यू, ये कैसे आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा सॉल्व ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लैश वाला क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है, साउंड वाला क्वेश्चन है, वो हैंड रिटन में किया था ये, ना पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, पूछने डाउट है। स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकेंड आफ्टर स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द वेल ऑफ डिस्टेंस 19.6। स्टोन गिरा, स्टोन नीचे गया, पानी से टक्कर हुई, आवाज आई, टोटल टाइम टेकन 2.05। तो स्टोन नीचे कितनी देर में गया, एस इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से 2 सेकेंड में गया। तो साउंड कितनी देर में ऊपर आई, 2.05 में से 2 गया तो कितना आया, 0.05 सेकेंड आया। साउंड ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 19.6 ऊपर आने में, साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, सॉल्व करके वी की वैल्यू आके आंसर आ गया,
ठीक, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, सेम वैसे ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट। हाँ, 10 में डाउट होगा, कितनों का हो गया? ठीक है, इंटीग्रेशन का गेम है टोटल, बस जिसके इंटीग्रेशन में गलती नहीं है उसका हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस रिलेशन। मुझे क्या निकालना है यहां से? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो एक्सेलरेशन को दो बार क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो पहले एक्सेलरेशन को लिखेंगे डीवी बाई डी टी, डी टी राइट साइड पे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। 1 dv आंसर क्या देगा? v माइनस एस ओमेगा स्क्वायर बाहर है, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। कोई डाउट इसमें? इंटीग्रेशन समझ में आ रही है, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी से एक्स निकालना है, तो वी को क्या लिखेंगे? डी एक्स बाय डी टी, डी टी राइट साइड पे, फिर एक बार इंटीग्रेशन, एस ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है। तो दो बार इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन के अंदर कोई गलती नहीं है तो आंसर सही आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन की गलती है तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, ये फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ने की थी, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी शायद ऐसा कुछ हुआ हुआ है, डिफ्रेंशिएशन में हुआ था, इंटीग्रेशन में ऐसा क्वेश्चन हुआ था ओमेगा टी वाला। बट इन एनी केस ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको कि कैसे आंसर आ सकता है इसमें। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो सबने इंटीग्रेशन कर ली ना, अब तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये स्टेप चल रहे हैं। 11th क्वेश्चन में डाउट, बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच मीटर। एक बॉल को एच मीटर से घेरा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, और वो कैपिटल टी टाइम में नीचे गिर गई। तो इस केस के लिए क्या लगेगा? एच इज इक्वल टू 0 + ½ gt² 0 + ½ gt² क्लियर है? वॉट इज द पोजिशन ऑफ द बॉल इन टी बाई 3 सेकेंड। तो पोजिशन बतानी है टी बाई 3 सेकेंड पे क्या होगी। तो टी बाई 3 सेकेंड पे मान लो उसकी पोजिशन एच डैश है, तो लगाओ एच डैश इज 0 + ½ g * t/3² तो यहां से ½ t² / 9 आ गया। ½ gt² की जगह क्या लिख सकते हैं? एच। तो आंसर क्या आ गया? h/9। पर ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में कि ग्राउंड से पूछा जा रहा है कि कहां से पूछा जा रहा है। डिस्टेंस ग्राउंड से पूछा जा रहा है, पर मैंने डिस्टेंस ऊपर से निकाल दिया h/9, तो ground से डिस्टेंस क्या होगा? h - h/9, यानी कि 8 h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। तो माइनस करके ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहले आप ये इक्वेशन निकाल लेंगे एच, फिर टी बाई थ्री में एच डैश निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ एच, फिर एच में से h/9 माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो मेथड सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? गूगल ड्राइव पे आप लोड कर दिए मैंने ये सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हो, ये शीट्स वहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट शीट, 5 नंबर शीट आपकी, शीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, शीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डाउट, इसमें डाउट है। देखो, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश भी की है, ब्रिज बनाया, ट्रेन बनाई, ट्रेन भी लंबी भी बनाई। 110 मीटर लंबी ट्रेन है, एंटर करेगी ब्रिज के ऊपर, ब्रिज 1 किलोमीटर लंबा है, 1000 मीटर लंबा है, कितना समय लेगी क्रॉस करने के लिए? जब आपका इंजन इसको टच करेगा, आपके हाथ में घड़ी है, आप ऑन कर देंगे, ऑन हो गया। अब देखो ना, जब तक ये ऊपर चढ़ नहीं जाएगी और ये पूरी तरह उतर नहीं जाएगी, उतरने में सिर्फ इंजन, देखो जब आप इंजन चढ़ रहा है तो पूरी टेल उतरेगी इसकी,
तो टोटल आपका समय यहाँ से यहाँ नहीं चला, आपका समय तो यहीं से स्टार्ट हो गया। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि जो कंसिडर करने वाला है वो आखिरी डिब्बे है, जब तक तो क्रॉस नहीं कर पाएगा इसे, आखिरी डिब्बे का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या रहेगा, 1000 में 110 ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस को, ये वेलोसिटी गिवन है ट्रेन की जो कि कांस्टेंट है, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके 12.5 आएगा, तो टाइम टेकन टू क्रॉस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी। आंसर तो समझ में आ रहा है, ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई एस इक्वल टू वी टी अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो ये मेन पॉइंट ये है कि लेंथ क्या लेनी है, लेंथ जब तक ये क्रॉस नहीं कर पाएगा ना इसे, तब तक ये क्रॉस मानी नहीं जाएगी। तो ये क्रॉस करने का मतलब ये वाला मेरा हाथ का पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, टोटल डिस्टेंस 110 प्लस 1000 लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। और अगर यही साइकिल वाला होता पॉइंट, तो 1000 से 1000 बस, साइकिल की तो क्या ही विड्थ लोगे, नेग्लिजिबल है, तो 1000 डिस्टेंस ही होता। ट्रेन लंबी है तो ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, सेकेंड क्वेश्चन आज आते ही शुरू किया था बिल्कुल वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, कितने का हो गया था वैसे ये हुआ ये। तो क्वेश्चन क्या है, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 20 एंड बी डाउनवर्ड्स। उसने ये नहीं कहा कि एक बॉल को ड्रॉप किया, जो मैंने आपको हैंड रिटन शीट में आज क्वेश्चन करवाया उसमें बॉल को ड्रॉप किया है, इसमें ड्रॉप नहीं किया, ए और बी इकट्ठे फेंक दिया विद स्पीड ऑफ 20 एंड 20, तो ऊपर 20 नीचे भी 20, 20 20 से फेंका है, और टोटल दूरी इनके बीच में 40 है, तो ये कहाँ मिलेंगे ये क्वेश्चन है। तो चलो मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे मिलेंगे, तो नीचे से ये डिस्टेंस कितना एक्स है, तो ऊपर से कितना 40 माइनस एक्स। तो पेन लो, इसके लिए लगाओ यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसके लिए यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और सॉल्व करके निकालो जो आंसर क्या आ रहा है। ऊपर वाली बॉल और नीचे वाली बॉल के लिए टाइम टेकन सेम होगा, तो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर दोनों के लिए लगाओ, देखो आंसर क्या होगा।
आया आंसर? कितनों का आ रहा है आंसर? डी। अच्छा अच्छा इक्वेशन बोलो क्या लगाई। फर्स्ट बॉल के लिए डिस्टेंस कितना है? 40 माइनस x, तो 40 माइनस x इज 20 t प्लस हाफ gt2। नीचे वाली बॉल के लिए x इज इक्वल टू 20 t माइनस हाफ gt2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक में प्लस जी, एक में माइनस जी, एक में डिस्टेंस 40 माइनस x, एक में x। तो क्या ये दो इक्वेशंस बनी? ये देखो, x इज इक्वल टू 20 t माइनस हाफ gt2, और दूसरी 40 माइनस x इज 20 t प्लस हाफ gt2। क्लियर है? ये 20 t भी यहाँ पे, इन्हें ऐड कर दो। ऐड करोगे तो x से x क्या हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसल। ये टर्म भी क्या हो जाएगी? कैंसल। तो 20 t एंड 20 t क्या बचेगा? 40 t। तो क्या टाइम 1 सेकेंड आ रहा है? चेक करो, खुद करो इसे सॉल्व। इसके अंदर ये दो इक्वेशन लिख लो, दो इक्वेशन को ऐड करो, चेक करो t आ रहा होगा। 1 सेकेंड आ रहा है? 1 सेकेंड। अगर t आ गया तो ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा। t आ गया तो x भी आ जाएगा। कोई डाउट आएगा आंसर? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर t आएगा तो x भी आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो आई होप ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट ये हो गया। कितनों का हो गया ये? किसको डाउट है इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट। फोर्थ में देखो, फोर्थ कितनों का हुआ? फोर्थ हो गया। देखो, एक ना स्टोन आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 1 सेकेंड, तो एक स्टोन है जो उसने बोला नहीं रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पर फ्रीली फॉल है तो स्टोन को ड्रॉप ही किया होगा उसने, ये तो बोला नहीं किस वेलोसिटी से तो थ्रो किया गया। तो मैंने यू जीरो ले लिया, तो यू जीरो से फेंका, स्टोन नीचे गया और एक ग्लास है उसको ब्रेक करता हुआ नीचे चला गया। तो स्टोन की वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? जीरो। एक्सेलरेशन नीचे आने में 9.8 है, और 1 सेकेंड बाद ये क्या करता है? इस ग्लास को ब्रेक कर देता है। तो जब ये इसको टच करता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है? अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस at, एक्सेलरेशन 9.8, तो कितनी वेलोसिटी से हिट करता है? 9.8 से हिट करता है। जैसी ब्रेक करता है, स्टोन अपनी आधी वेलोसिटी लूज कर जाता है, हिट करते ही आधी वेलोसिटी लॉस हो जाती है। तो यानी कि अब जैसी बाहर निकलता है 9.8 की जगह 4.9 मीटर पर सेकेंड से स्टोन चलता है, तो ये बताने कि 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो लगाओ फिर से, v इज इक्वल टू यू प्लस at, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 4.9, एक्सेलरेशन नीचे आने की 9.8, और टाइम की जगह कितना? 2। निकाल लेना आंसर, मार्क कर लो। ठीक है, ऊपर लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस at, अब नीचे लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस at। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस at, v इज इक्वल टू यू प्लस at से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट, फिफ्थ क्वेश्चन, वही जो अभी किया कि ये टावर है 60 मीटर का, एक बॉल को ड्रॉप किया और एक को 40 से फेंका, ये कहां मिलेंगे? वही सेम स्टोरी, ये x पे मिलेंगे, तो ये डिस्टेंस 60 माइनस x, तो इसके लिए 60 माइनस x इज 0 प्लस हाफ at स्क्वायर gt2, और इसके लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को ऐड करेंगे, t आएगा तो x आएगा। मतलब वो एक क्वेश्चन जो अटका हुआ था वो सभी क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है गलती, बट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कैसे करने? तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, सिक्स्थ में, बैलून से उड़ते हुए बैलून से स्टोन को ड्रॉप किया है। क्वेश्चन नंबर एट हो गया, डाउट है। पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम द एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स द पैराशूट एंड डी एक्सलेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पैराशूट लेके बंदा जंप करता है यूजिकल टू जीरो, तो वो 40 मीटर तक पैराशूट को ऑन नहीं करता, तो यहाँ पर ग्रेविटी के इफेक्ट में आता है 40 मीटर, फिर पैराशूट ऑन करता है।
तो उसके बाद इसकी स्पीड स्लो डाउन होती है और ये ज़मीन पे लैंड करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी लैंडिंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इसमें आपको बताना है कितना समय लिया उसे नीचे उतरने में। और हाँ, यहाँ पर रिटार्डेशन भी गिवन है -2। यहाँ तक पैराशूट ओपन नहीं हुआ था तो एक्सेलरेशन कितनी थी 9.8। ओपन हो गया तो रिटार्डेशन गिवन है -2। तो आप एक काम करें, आप यहाँ से यहाँ टाइम तो निकाल ही सकते हैं। यू कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको वी पहले आप निकाल लें, चलो वी गिवन नहीं है तो वी निकाल लें। वी की वैल्यू आएगी 0 + 9.8 × 40। तो सॉल्व करके कितना आएगा 28 मीटर पर सेकेंड। ये रहा तो वी आ गया। और आप इसमें अप्लाई करके निकाल सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वी पता है, यू पता है, जी 9.8 पता है। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा नीचे गिरने का, ये टाइम निकाल लेना। फिर आप इस पार्ट ऑफ जर्नी में फिर से अप्लाई करें वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल 28, ए की जगह -2, फिर सेकेंड टाइम आएगा t2, टोटल टाइम क्या आएगा t1 + t2। आंसर विदाउट इसमें क्या से टोटल टाइम निकाल लेंगे, ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप वो पूछेगा टोटल जर्नी कितनी है। टोटल जर्नी में ये तो 40 मीटर है ही है। इस जर्नी के लिए लगा लें v² - u² 2as। तो यहाँ से s निकाल लें, s में 40 ऐड कर दें, टोटल जर्नी आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 11 में डाउट। 11 में देखो, 11 सबका हो गया क्या? कमाल ही कर दी फिर तो, टेस्ट का टाइम आ गया, लेवल बढ़ गया आपका, मेरा नहीं, इतने क्वेश्चन होने लगे तो ठीक ही हो गया। ठीक, देखो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू क्या है 0 एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। टोटल डिस्टेंस अगर एस है तो हाफ पाथ क्या हुआ, आधा डिस्टेंस कितना हुआ s/2, और आधा डिस्टेंस s/2 कितनी दूरी में, कितनी देर में कवर हुआ, लास्ट सेकेंड में। अब लास्ट सेकेंड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, s nth। तो यानी कि आखिरी डिस्टेंस, आखिरी पार्ट ऑफ द जर्नी s/2 आखिरी एक सेकेंड में कवर हुआ, nth सेकेंड में कवर हुआ, तो s/2 snth। तो snth इज इक्वल टू s/2। snth की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n - 1। और s का फॉर्मूला क्या होता है पूरी जर्नी के लिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर में un प्लस हाफ an स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्लियर है। तो snth हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो गया, और टोटल डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर। पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 गिवन है, तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया। तो ये इक्वेशन बच गई, a से a कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक बन गई n में। यहां पर n में क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3.4 सेकेंड। तभी तो कह रहा था सारों कैसे हो गया। तो यहां पर क्योंकि जब क्वाड्रेटिक आती है बंदे को अपने ऊपर शक हो जाता है, मैं ठीक भी कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, फिजिक्स में नहीं ठीक कर रहे होते, कोई ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसमें snth s/2 है, snth की वैल्यू पुट की, s की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, n आ गया। पर आपको n नहीं निकालना, आपको तो s निकालना है। तो s के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और टाइम आप निकाल चुके हो 3.4, तो 0 + ½ at² से आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है। तो पहले n निकलेगा, n निकलेगा, फिर s की वैल्यू भी निकलेगी, कोई डाउट इसमें? ठीक, सिर्फ मैटर ऑफ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मोशन इन 1D अभी भी खत्म हो सकता है, हो गया, बोलना ही तो है आके, लास्ट असाइनमेंट थी, हो गया, ठीक है यार, बहुत बढ़िया। ठीक, ऐसा नहीं है कि बुक्स सॉल्व नहीं होंगी, आपसे बुक्स सॉल्व होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि मेरे को मोशन इन 2D स्टार्ट करना है कुछ दिनों में, और 2D के अंदर 1D की सारी इक्वेशंस यूज होती हैं, तो मैं नहीं चाहता आपको 2D मुश्किल लगे। 1D जितना बढ़िया होगा, 2D तो अपने आप ही हो जाएगा। मेरे को एफर्ट नहीं करना 2D में, 2D में आप एफर्ट कर लेंगे। तो मेरा एफर्ट जैसे कैलकुलस में ज़्यादा था तो मोशन में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, मोशन इन 1D में ज़्यादा है तो 2D में प्रॉब्लम नहीं है, 2D में अगर ज़्यादा है तो 3D में प्रॉब्लम नहीं है। और जिसने काइनेमेटिक्स कर ली, फोर्स उसके लिए कुछ भी नहीं है, फोर्स में तो रोज़ काइनेमेटिक्स यूज़ होना है, तो वहाँ से अपने आप ही प्रैक्टिस से अपने आप ही सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। बस यही मेरा काम है, इससे बोलते हैं फाउंडेशन सही होना, चीज़ों को कैसे आप एक तरीके से बैलेंस करके चल रहे हो। ठीक है,
तो यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, 12 में डाउट? अच्छा, क्या बात, ठीक है यार, मैं सोचा कि ऐसे कैसे यार, कितों का हो गया? कमाल है यार, शाहरुख खान का क्वेश्चन है और तुम्हें पता ही नहीं लगा यार। देखो, पर्सन इज रनिंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये वही शाहरुख खान है जो 3 की स्पीड से रेलवे स्टेशन में भागता है, और आगे क्या खड़ी हुई है? एक ट्रेन खड़ी हुई है, और जैसे ही वो 3 की स्पीड से भागता है, 2.5 मीटर दूर ट्रेन है, ट्रेन चल पड़ती है। अब ऑब्वियसली उसको ट्रेन तो कैच करनी है, तो ट्रेन को वो कैच करेगा। अब ट्रेन रेस से चली है और ये बंदा 3 के साथ भागता जा रहा है, ट्रेन को कैच कर लेगा। आपको बताना है कितने समय में कैच करेगा। पूरा सीन आप देख रहे थे, जब इनके बीच में डिस्टेंस 2.5 था, आपने घड़ी को ऑन कर लिया, तो ये ट्रेन को यहाँ पकड़ नहीं पाएगा, थोड़ा सा आगे पकड़ेगा, क्योंकि जब ये 2.5 मीटर दूर था, ट्रेन चल पड़ी थी, तो ट्रेन को आगे जाके पकड़ेगा कहीं पर। तो मान लो, चलो ट्रेन जब चली तो उसने एक्स दूरी कवर कर ली थी और ये इसको यहाँ एक्स दूरी पे पकड़ लेगा। तो ये बताओ कि इस मैन ने कितनी दूरी कवर की जब यहाँ से ट्रेन में ये चढ़ गया। 2.5 तो तब था जब ट्रेन चली थी, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेन कवर कर गई, तो टोटल मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2.5 प्लस एक्स। तो ट्रेन ने कितना कवर किया? सिर्फ एक्स, ट्रेन ने एक्स किया। ट्रेन के लिए इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेशन है। मैन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैन की इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी। टाइम इसमें टी टाइम होगा, तो टी टाइम में ये मैन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टी टाइम में ट्रेन ने एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो मैन के लिए 2.5 प्लस एक्स इज वी टी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ट्रेन के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक काम करो, इस एक्स को उठा के यहां से यहां पे पुट कर दो, तो क्या इक्वेशन बनेगी? 2.5 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3t। क्वाड्रेटिक बनेगी टाइम में, चेक कर लो। फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू सॉल्व करके 1 सेकेंड आ जाएगी आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो ट्रेन एक्सलरेट कर रही है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो मैन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एस इज इक्वल टू वी टी। कोई डाउट इसमें? तो इन्हें सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। वैसे दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर का मतलब क्या हुआ यार? 1 और 5 सेकेंड, मतलब या 5 सेकेंड पे, यानी कि वो ट्रेन से कुछ स्पीड उसकी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो पहले वो तेज़ भाग गया, उसने कहा छोड़ यार नहीं पकड़ते ट्रेन को, फिर ट्रेन निकलती जा रही है, एक्सलेट कर रही है, फिर उसको लगा कि नहीं पकड़ लेनी चाहिए, तो 5 सेकेंड पे भी पकड़ सकता है, पर इसमें एक ही ऑप्शन गिवन है, तो 1 सेकेंड आंसर मार्क कर देना। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट किए किसी ने? नहीं किया, मतलब मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ? ठीक, अच्छा, रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो गया होगा इस टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ से 13th क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, टी और एक्स का रिलेशन है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो ट्राई करो, हिंट दे रहा हूं, एक्स को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो उसने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी कि क्या निकालो? एक्स निकालो। कब? जब वेलोसिटी क्या है? 0। एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को 0 पुट कर दो, टाइम आएगा, उस टाइम को यहां पुट कर दो, तो एक्स आएगा। तो डिफ्रेंशिएट करो, वी निकालो, डिफ्रेंशिएट करके वी निकालो,
कितना आंसर आ गया? वो चांस की बात है, जीरो आ गया, कुछ और भी आ सकता था। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करके क्या आया, 2 इंटू टी माइनस 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 3, डी टी बाई डी टी तो वन है और ये जीरो, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। फिर वेलोसिटी को जीरो पुट कर दिया तो टाइम आ गया, इस टाइम को एक्स के अंदर पुट किया, अब चांस की बात है कि आंसर जीरो आ गया। अगर टाइम यहाँ पर फोर आ जाता जीरो थोड़ा ना आता फिर, तो आपने लेकिन प्रोसीजर यही फॉलो करना है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक क्या करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने किया ट्राई नेक्स्ट, पहले बताओ ट्राई किया? ओके, आप अपना पूरा जोर लगा लो, इसका आंसर निकालो, मतलब पूरे दिमाग की पूरी पावर लगा दो। है ये दो लाइन का क्वेश्चन, लगेगा ये बहुत बड़ा, क्या पता निकल भी जाए, क्या पता निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर कैसा हुआ स्कूल में? समझाता हूँ, क्वेश्चन है कि ना दो ट्रेन्स हैं, दो ट्रेन आमने सामने आ रही हैं एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर। तो जब इनके बीच में डिस्टेंस 60 किलोमीटर रह गया, एक बर्ड ने उड़ना स्टार्ट किया, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन से, पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन से उड़ता गया, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड, जब तक इनकी टक्कर नहीं हो जाती उड़ता गया। तो बताओ जब तक इनकी टक्कर नहीं होती, बर्ड ने कितनी दूरी कवर करी, डिस्टेंस बताओ कितना कवर किया टोटल? आप हो गए, मुझे पता कितने राउंड काट रहा है वो, मुझे नहीं मालूम। देखो इसको करने का तरीका है, बर्ड की स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट है, तो ये बताओ जब तक ट्रेन की टक्कर नहीं होती, ध्यान आगे प्लीज बात बंद, जब तक ट्रेन की टक्कर नहीं होती तब तक बर्ड उड़ेगा? ट्रेन की टक्कर कितने समय में होगी? 60 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 कितना है 60, चेक कर लो, क्योंकि दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, पांच मिनट, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो टोटल स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इन्हें ऐड करनी पड़ेगी, 30 प्लस 30 कितना 60, करवाया था ना, अगर दो ट्रेन ऑपोजिट है तो स्पीड ऐड करनी है, और दोनों को मिलके 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो एक घंटे में एक्सीडेंट हो जाएगा। अब बर्ड की वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट है, तो बर्ड के लिए एस इज इक्वल टू वी टी, बर्ड की स्पीड आपको पता है, बर्ड को सिर्फ एक घंटे तक उड़ना है, वी टी आंसर आ गया, खत्म हो गया, तो ऐसे ही हो गया ना।